वाइटिंग एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने सीरीज में आज बातें जैकी श्रॉफ की। उनका स्टाइल अलग है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस अलग है। अभिनेता जैकी श्रॉफ उन गिने चुने अभिनेताओं में से हैं जो नंबरों की गिनती से दूर रहकर भी लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं। उनका जन्म 1 फरवरी 1957 को महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में हुआ था। इनका असली नाम था जयकिशन काका भाई श्रॉफ। इनके पिता का नाम काका भाई हरि भाई श्रॉफ और माता का नाम रीटा श्रॉफ है। इनके पिता गुजराती थे और माँ कजाकिस्तानी। जैकी श्रॉफ मुंबई के वालकेश्वर इलाके में तीन बत्ती की एक चाल में रहा करते थे। मॉडल और फिर अभिनेता बनने से पहले जैकी को जग्गू दादा के नाम से जाना जाता था। जैकी श्रॉफ ने अपने स्कूल की पढ़ाई 11वीं कक्षा में ही छोड़ दी थी क्योंकि परिवार के पास उन्हें आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। जैकी श्रॉफ एक बहुत ही साधारण परिवार से थे और अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ जगहों में काम भी तलाश किया। सबसे पहले उन्होंने कोशिश की मुंबई के ताज होटल में शेफ के काम के लिए और इसके बाद एयर इंडिया में एक अटेंडेंट के पद के लिए भी काम करने का मन बनाया। लेकिन दोनों जगहों में से जैकी को कहीं भी काम नहीं मिला था और इसकी वजह थी उनकी कम पढ़ाई। जैकी ने मुंबई के एक लोकल ट्रेवल कंपनी में एजेंट का काम शुरू किया। वहीं एक दिन जैकी बस डिपो पर खड़े थे जहां उन्हें एक विज्ञापन कंपनी के मालिक ने देखा और उनसे कहा कि उन्हें उस विज्ञापन कंपनी के लिए मॉडल के रूप में चुना गया है। इसके बाद से जैकी को विज्ञापनों में अभिनय करने का मौका मिलने लगा। अब बारी आती है फिल्मों की। फिल्में, वो भी पहली फिल्म अभिनेता देवानंद के साथ। कैसे मिला उन्हें ये मौका? बात 1982 की है। एक दिन जैकी श्रॉफ देवानंद की फिल्म स्वामी दादा की शूटिंग देखने पहुंचे। भीड़ में वो अलग ही नजर आ रहे थे। देव साहब की नजर जैकी पर पड़ी। उन्होंने उन्हें बुलाया और एक छोटा सा रोल करने के लिए कहा। जैकी श्रॉफ मान गए। इस तरह से पहली बार वो बड़े पर्दे पर नजर आए। 1983 में निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को अपनी एक फिल्म हीरो में प्रमुख भूमिका दी। इसी फिल्म में जयकिशन काका भाई श्रॉफ को नया नाम मिला। सुभाष घई को अभिनेता के लिए जयकिशन नाम पुराना सा लगा, उन्होंने इसे जैकी कर दिया। खुशकिस्मती से उनकी ये फिल्म बहुत ही ज्यादा सफल हुई और रातों रात वो एक बड़े स्टार बन गए। अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री ने भी फिल्मों में अपना करियर इसी फिल्म से शुरू किया था। हीरो के बाद जैकी ने सुभाष घई की कई फिल्में रोल की परवाह किए बिना की। हीरो की सफलता के बाद जैकी श्रॉफ ने अंदर बाहर, जुनून और युद्ध जैसी कामयाब फिल्में की। साल 1986 में जैकी श्रॉफ ने कर्मा फिल्म साइन की जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। जैकी श्रॉफ की फिल्म किंग अंकल और अल्लाह रखा के लिए ओरिजिनल चॉइस अमिताभ बच्चन थे, लेकिन बाद में ये फिल्में जैकी श्रॉफ के खाते में आईं। साल 1989 में आई फिल्म परिंदा ने जैकी के करियर में एक नई ऊंचाई दी। उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी और राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला के लिए जैकी श्रॉफ को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जैकी ने हैप्पी न्यू ईयर, धूम 3 और ब्रदर्स जैसी फिल्में भी की हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें काम करते हुए 40 साल के करीब हो चुके हैं। जैकी श्रॉफ ने 5 जून 1987 को अपनी गर्लफ्रेंड आयशा दत्त से शादी की। जैकी और उनकी पत्नी जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड नाम की एक मीडिया कंपनी चलाते हैं। जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा राज परिवार से हैं। आयशा ने जैकी को पहली बार तब देखा था जब वो मात्र 13 साल की थी। उनकी एक बेटी कृष्णा और एक बेटा टाइगर श्रॉफ है। टाइगर भी कई सफल फिल्में कर चुके हैं। अपने फिल्मी सफर के बारे में एक बार उन्होंने बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका पहला दिन फिल्म स्वामी दादा में बतौर जूनियर आर्टिस्ट शुरू हुआ था। उस फिल्म से जुड़े दो वाक्य उन्हें हमेशा याद रहे। पहला वो जब वो शक्ति कपूर और एक दूसरा विलेन सेट पर थे। एक सीन में उनके ऊपर मधुमक्खियां छोड़ी जानी थी और उन्हें तेजी से भागना था। सीन शुरू हुआ और एक्शन बोलते ही मधुमक्खियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। उन्होंने तेजी से भागना शुरू कर दिया, लेकिन भागते हुए भी वो यही सोच रहे थे, ये तो एक्टिंग नहीं है, रियल है। एक और किस्सा भी उसी फिल्म का है। वो बताते हैं कि उसी दिन एक और सीन शूट होना था। देव साहब के बॉडी डबल को उन्हें पीठ की तरफ से पकड़कर फेंकना था। ये सीन उनसे नहीं हो पा रहा था। वो एक स्ट्रीट फाइटर रहे थे, उन्हें ऐसा टेक्निक नहीं आता था। उन्होंने फाइट मास्टर से कहा, सर ये नहीं हो पा रहा है। फाइट मास्टर नाराज होने लगे। पास में देव साहब बैठे हुए थे। उन्होंने फाइट मास्टर से कहा, इसे डांटो मत, आराम से काम करो, नया लड़का है, इसको सिखाओगे
कैसे करना है। अगर तुम उसे अच्छी तरह से सिखाओगे तो वो जल्दी सीखेगा। जैकी दादा कहते हैं कि उस दिन उन्होंने सीखा कि अगर सेट पर कोई नया एक्टर आता है तो उसके साथ इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। वो कहते हैं कि उन्होंने देव साहब से सीखा कि सभी से प्यार करना और सबका ख्याल करना चाहिए। कहते हैं जैकी के पिता एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे। जैकी के बचपन में ही उन्होंने अपने बेटे के बड़ा सितारा बनने की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन बड़े सितारे को पहले बनना था जग्गू दादा। हुआ यूं कि दरअसल उनका भाई च्योल का असली दादा था। वो गरीब लोगों की मदद करता था। कम उम्र में ही किसी को बचाने के लिए वो एक बार समुद्र में कूदा, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। जैकी के सामने ही देखते देखते उनका भाई डूब गया। भाई की मौत के बाद जैकी ने तय किया कि वो अब बस्ती में भलाई का काम करेंगे और अपने भाई की जगह लेंगे। इस तरह वो जग्गू दादा बने। जैकी श्रॉफ की स्टाइल और कुकिंग में काफी दिलचस्पी है। वो बहुत अच्छे कुक हैं और उनके द्वारा बनाया गया बैगन का भरता बॉलीवुड में खासा पसंद किया जाता है। जैकी श्रॉफ दिल से सोचने वाले आदमी हैं, इसीलिए वो बॉलीवुड में लोकप्रिय हैं। कई फिल्में उन्होंने निर्माताओं की मदद के तौर पर की, ये जानते हुए भी कि इससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। वो लगभग भारत की 9 भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें से हिंदी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाएं शामिल हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ ने फिल्म इंडस्ट्री में कई हिट फिल्में दी हैं। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और डायलॉग्स के दम पर दर्शकों के दिलों पर सालों साल राज किया है। छोटे बड़े हर तरह के रोल्स उन्होंने फिल्मों में निभाए हैं। फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा उन्हें कई बार पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। 2007 में जैकी श्रॉफ को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष न्यायाधीश जूरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जैकी श्रॉफ को एक अभिनेता के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन जब वो शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल जब जैकी श्रॉफ शूटिंग नहीं करते तब वो खेती करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के चलते काफी दिक्कतें हैं, इसी वजह से वो फ्री टाइम में पर्यावरण की रखवाली करते हैं। जैकी श्रॉफ के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे कई फोटोज हैं जो उनके नेचर के प्रति प्यार को जाहिर करते हैं। जैकी को पेड़ पौधों से इतना लगाव है कि वो अपनी कार में भी प्लांट्स रखते हैं। जैकी श्रॉफ पौधों के बारे में किताबें भी पढ़ते हैं। एक किताब तो उनकी दोस्त अभिनेत्री डिम्बल कपाड़िया ने उन्हें गिफ्ट की है। यही नहीं, जैकी को उनके क्लोज फ्रेंड डैनी स्पेशली सिक्किम से संतरे और केले के बीच डायरेक्ट भेजते हैं। हाल ही वक्त में जैकी जापान की खेती तकनीक से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, साथ ही वो पौधों से जुड़ी मेडिसिनल वैल्यूज पर भी ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ये काम करने में उन्हें बहुत मजा आता है। पेड़ों के बीच उन्हें बहुत खुशी मिलती है। जैकी जमीन से जुड़े कलाकार माने जाते हैं। अभिनेता जैकी श्रॉफ की गिनती बॉलीवुड के उन सितारों में होती है जिन्होंने इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के कामयाबी हासिल की है। सफल होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने दोस्तों को और साथ देने वालों को नहीं भुलाया। निष्ठा, आपसी रिश्ते, ह्यूमन वैल्यू को लेकर जैकी श्रॉफ हमेशा से जागरूक रहे हैं और इन बातों को वो जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं। जैकी का मानना है कि भले ही आप अपने करियर में कितने बड़े स्टार बन जाएं, पर उन लोगों के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश बेकार है जिनकी वजह से आपने ये मुकाम हासिल किया है। वो कहते हैं जिससे आप प्यार करते हो उसकी भावनाओं को तवज्जो दो। माँ, बीवी, बच्चे, प्रेमिका के साथ सच्चाई से रिश्ता निभाओ। आजकल लोग इंसानों से ज्यादा फोन में व्यस्त रहते हैं। एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए, तय करना चाहिए कि आपके करीबी लोगों को प्रायोरिटी मिले। वाकई जैकी श्रॉफ यानी जग्गू दादा के जैसा अभिनेता और प्यारा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर अब तक आपने वाइटिंग एंटरटेनमेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।